नमस्कार, मैं हूं जय। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार को जयललिता के मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अम्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर दबाव बनाया कि वो इस्तीफा दे और शशिकला को सीएम बनाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अखलाक के बिसारा गाँव में रैली करेंगे। इसके अलावा भाजपा के कई बड़े दिग्गज अलग अलग जगहों पर चुनावी रैली संबोधित करेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज मध्य प्रदेश के बैतूल में एक संघ परिवार के विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो वहां के जिला जेल भी जाएंगे। दिल्ली के क्रिकेटर मोहित अहलावत ने T20 मैच में सिर्फ 72 गेंद में 49 छक्कों की मदद से 300 रन की पारी खेलकर सनसनी फैला दी है। मोहित की एंट्री अब IPL में भी हो सकती है। सऊदी अरब ने तकरीबन 39,000 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से बाहर निकाला। आरोप है कि पाक नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और लगातार अरब के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। उन्होंने 1 घंटा 28 मिनट के भाषण में कांग्रेस और राहुल पर हमला किया। सिखों पर बनने वाले चुटकुले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिखों पर बनने वाले चुटकुले के रोकने पर इनकार कर दिया। 15 फरवरी को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रिकॉर्ड 104 उपग्रह छोड़कर इतिहास रचेगा। इसरो रूस के 37 उपग्रह को एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड इस बार तोड़ेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के कालकाजी स्थित घर से सोमवार रात को चोरी हो गई। चोर ने उनके घर से ज्वेलरी नकदी के साथ 2014 में मिले उनको नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका भी साथ ले लिया। निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 5 विधानसभा क्षेत्रों पर उन 48 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान करने का आदेश दिया है। दरअसल उन मतदान केंद्रों पर कुछ गड़बड़ी पाई जाने की शिकायत सामने आई। आज फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।